السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कबाब बिलफहम तंदूरी कबाब. ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है. ओके सो लेट्स स्टार्ट इट. सो ये है कैमल मीट मींस, तो हम इसको मोटर एंड पैसन में मज़ीद इसको फाइन कर रहे हैं. आज मैं कुकिंग कर रही हूँ अपने फादर के साथ. तो पापा के साथ कुकिंग करना मुझे हमेशा बहुत पसंद है क्योंकि उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल जाता है. हमने इसको देना है देसी टेक्सचर, इसलिए लहसुन अदरक को भी हमने इसी में अच्छी तरह से चॉप किया है. तो ये डाल दिया है सूखा धनिया और ज़ीरा. कोरिएंडर से बहुत बेसिक टेस्ट आता है. तो ये मैंने चिली डाल दी थी लेकिन बारीक नहीं कटी थी. पापा इसको बारीक कर रहे हैं. आई थिंक इसमें बारीक चीज़ें डालते हैं फिर इसको चॉप करते हैं, ये मुझे आज पता चला. और साथ ही सॉल्ट ऐड कर देना है. हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है और यहाँ इसको अच्छी तरह चॉप कर दिया. ये है चपली कबाब मसाला. आप इसको ऐड करेंगे, मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है, आप जितना चाहें कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं. तो यहाँ पर सब स्पाइसेस अच्छी तरह से इसमें मींस में ऐड कर दिए हैं और अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतना कि सब मसाले इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं. तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इफ़ यू वांट इट मोर स्पाइसी तो आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दें. 1 टेबल स्पून ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है और मैंने साथ ही इसमें टमाटो चॉप करके ऐड किया था, तो आप एक टमाटर इसमें ऐड कर सकते हैं. इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है. अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा कबाब पहले फ्राई करके देख लें, फिर उसके हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस पूरा कर सकते हैं. तो हमने ये नहीं किया क्योंकि इंशाल्लाह अच्छा होगा. तो आप जो सी शेप बनाना चाहते हैं आप इसकी बना सकते हैं. आप इसको बहुत ही बड़े बड़े चपली कबाब की तरह भी शेप दे सकते हैं. तो हमने रखी है इसकी मीडियम शेप. आप चाहें तो इसको बड़ा साइज भी बना सकते हैं, मेक श्योर कि थिन होना चाहिए. ओके, तो हमने करना है शैलो फ्राई. ज़्यादा हम ऑयल इसमें नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसका अपना ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाएगा. तो इस पर हमने डाल दिए हैं अपने सारे कबाब्स. अब हमने कर देना है इसको कवर. कवर करने के बाद हम इसको आफ्टर 5 मिनट्स देखेंगे, कुछ इस तरह होंगे. और हमने इसका करना है पानी ड्राई, इसको स्टीम में ही कुक करना है. मैंने अगेन कवर लगा दिया था, अब मैंने देखा है तो पानी भी ड्राई हो चुके और ये अच्छी तरह कुक भी हो चुके हैं. तो मैं इसको साइड चेंज कर रही हूँ जस्ट इसके कलर देने के लिए, वरना ये माशाल्लाह अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं. अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका दूसरा तरीका. तो यहाँ पर आ गई थी पापा की इंपॉर्टेंट कॉल और वो चले गए, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी थी. तो ये मैंने बना लिए हैं दूसरे शेप के कबाब. तो मैं कंप्लीट करने लगी हूँ ये रेसिपी. ये मैंने ले लिया है, बर्तन में ऑयल लगा लिया है और अब मैं सभी कबाब इसमें सेट करने लगी हूँ. इस तरीके से कबाब आपके बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे. और इसको हमने फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, ये सिर्फ स्टीम में ही कुक होगा और बहुत ही जल्दी और बहुत ही वेल कुक होगा. ये तरीका डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो ये मैंने इसको रख दिया है कवर करके और जब मैंने देखा है तो ये काफ़ी अच्छे कुक हो गए हैं. मैंने इसको जस्ट दूसरी साइड चेंज किया और इसको अच्छी तरह से कलर दे दिया है और ये एंड में इस तरह के लग रहे थे. फ्राइड और स्टीम्ड कबाब मैंने एक ही बर्तन में सेट कर दिया, उसके ऊपर मैंने गस तेल लगा दिया है फॉइल रैप. अब मैं इस पर जले हुए कोयले रख रही हूँ क्योंकि हमने इसको देना है टेस्ट बारबेक्यू कबाब. तो इसी से हमारा वो फहम वाला टेस्ट आएगा, वो धुआं वाला कबाब बनेंगे. सो आपने इसको कवर कर देना है 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर और फिर 10 मिनट के बाद इसको ओपन करना है और सर्व करना है. एंजॉय कीजिए ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. जी फाइनली ये मैंने डिश आउट कर दिया है. आप इसको किसी भी राइस के साथ सर्व करें, मैंने रोज़मंदी के साथ सर्व किया है और ये कबाब इतने जूसी इतने टेस्टी बने थे. ज़रूर ट्राई कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फी अमान अल्लाह. टेक केयर.